है ये जश्न विमल के 25 सालों के रिश्तों का, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल SME में। तो दोस्तों आज हम लोग आपको इस वीडियो में ये बताएंगे, कुछ खास बताने वाले हैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है 50 वोल्ट इनपुट के स्टेबलाइजर का वायरिंग लेआउट, अप डाउन स्विच के लिए रिले का प्रयोग करना। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे कि स्टेबलाइजर में कि अप एंड डाउन जो होता है वहाँ पे एक ट्यूटर स्विच लगता है ना। तो उस स्विच मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो स्विच कैसा होता है। ऐसा होता है, ये देखिए आप लोग, ये स्विच है। तो इस स्विच के बदले में जहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम पे इस प्रकार से स्विच लगाया जाता है। लेकिन हम स्विच नहीं लगा के रिले लगाना चाहते हैं, तो उसका आपको कनेक्शन बताना है। देखिए ये जो है ना, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। कॉमन पोल प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से फिर सेकेंडरी वन, सेकेंडरी टू, सेकेंडरी थ्री करके 8 तक है, 8 पोल इसमें लगा हुआ है। तो शुरू करते हैं। आप चाहते होंगे अगर ट्रांसफार्मर देखने के लिए, तो मैं आपको अंत में वो ट्रांसफार्मर भी दिखाऊंगा जो 50 वोल्ट से उठा रहा है। तो फिलहाल मैं आपको इस बारे में बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ वीडियो के नीचे देख रहे हैं आप लोग, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये इनपुट है ना, इनपुट 50 वोल्ट से 220 वोल्ट एसी करंट यहाँ से चला। तो एक एसी करंट का दोनों एक फेज न्यूट्रल यहाँ से चला गया एक ट्रांसफार्मर में, जो कि 0-12 का ट्रांसफार्मर होगा, 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होगा, फिर 0 वोल्ट 12 वोल्ट एक ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। आप लिखा होगा ब्रिज रेक्टिफायर, तो मतलब 4 एम्पियर का एक डायोड होगा और 4 डायोड लगेगा। तो फिर आगे चलिए शुरू करते हैं। इधर से जो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ ये नेगेटिव हो गया, तो आगे रिले में चला गया। ये एक रिले है, रिले 12 वोल्ट 30 एम्पियर DPDD, इस रिले का मॉडल नंबर होगा। तो इसके बारे में आपको मैं बाद में बताएंगे, फिलहाल इधर समझ लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये कॉमन पोल प्राइमरी वाइंडिंग है ना, हाँ। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में आ गए हम लोग। पहले कॉमन पोल भैया, यहाँ जो कॉमन पोल है ये कहाँ से आ रहा है ये देखना होगा हमको, ये कहाँ से आ रहा है। एक न्यूट्रल से आ रहा है ना, जो एसी करंट इनपुट हो रहा है, आ रहा है मेरे पास जो आया, तो यहाँ से हम एक दे दिए यहाँ पे कॉमन पोल में, प्राइमरी वाइंडिंग के कॉमन पोल में, यही कॉमन जो न्यूट्रल हो गया वो आउटपुट में एक न्यूट्रल बन गया जाके। चलिए अब आगे देखते हैं, सेकेंडरी वन, सेकेंडरी टू, सेकेंडरी थ्री, सेकेंडरी फोर, सेकेंडरी फाइव, सेकेंडरी सिक्स, सेकेंडरी सेवन, सेकेंडरी एट। रोटरी स्विच, ये रोटरी स्विच है, इसमें आपको नंबर दिया रहेगा, आप एक नंबर पे, ऐसे एक नंबर है तो एक नंबर पे आप यहाँ पे ला के दे सकते हैं, जैसे जो लगाना होगा आपको आप लगा देंगे। एक नंबर से यहाँ आया रोटरी स्विच में, फिर दो नंबर जैसे यहाँ आया तो दो नंबर यहाँ पे आप दे रहे हैं, तीन नंबर आया, सबको आपको सीरियल वाइज रोटरी स्विच में जोड़ना होगा, कलेक्ट करना होगा, टोटल 8 तार को आपको रोटरी स्विच में कलेक्ट करना होगा। फिर अगर हम अगर बात अब आते हैं यहाँ पे, इस वीडियो का मेन पर्पज़ जो आपको ये बता रहे हैं हम कि यहाँ पे जो स्विच लगेगा, DPDT स्विच जो लगेगा, इस स्विच के जगह पे हम एक DPDT रिले इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मेरे पास वो रिले उपलब्ध नहीं है, मैं आपको रिले फिर कभी किस स्टेबलाइजर बनाते वक्त आपको उस रिले के बारे में बता दूंगा, और इस वीडियो का लिंक भी उस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो रही बात की बात, अभी फिलहाल इस रिले के बारे में जानते हैं। तो ये आप रिले देख रहे हैं, ये रिले का कनेक्शन है, रिले के अंदर में क्या हो रहा है भाई, चलिए रिले के अंदर में देख लेते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं डीपीडीटी रिले 15 एम्पियर का रिले होगा का प्रयोग करने पर होने वाले कनेक्शन। इसमें क्या क्या कनेक्शन होता है भाई? तो आप देख रहे हैं कि इसे यहां आप देख रहे हैं रिले के ऊपर पे ये कोना और ये कोना से वायर इस कोने से डायरेक्ट हो गया, इस कोने से डायरेक्ट हो गया, ये ऊपर से हो गया, बचा ये दोनों। इसके अंदर में क्या क्या कनेक्शन होता है? तो जस्ट इसके अंदर में ये होता है, रूप है जुदा जुदा पर हमारी जुबा है एक, जुबा केसरी, बिमल बोलो जुबा केसरी। तो यहां पे आप लोग देख रहे पा रहे होंगे कि ऑन ऑफ स्विच SPST है ना, ये स्विच होगा 15 एम्पियर का होगा, अप डाउन के लिए स्विच, एक ही स्विच आपको अप एंड डाउन करवाएगा। जैसे कि आप इसको यहाँ पे टच करवाइएगा, इसको यहाँ पे आप टच करवा रहे हैं तो ये अप हो जाएगा, और आप इसको अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, स्विच को बंद कर दीजिएगा, तो ये डाउन हो जाएगा। इस प्रकार से ये काम करेगा रिले पे। तो अब आपको एक बार हम फिर से डायग्राम समझा देते हैं कि देखिए, जैसे कि और ये रिले किस तरह से चल रहा है, तो पहले आपको बताए थे कि बाद में बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए। ये रिले का क्वाइल है, जस्ट लाइक इस तरह से ये क्वाइल रिले का है। तो यहाँ पे स्विच हो गया अप एंड डाउन का, हो गया। तो ये आ गया यहाँ से होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर में, निगेटिव में लग जाएगा, और फिर ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव जो होगा वो इस यहाँ से आया और यहाँ पे क्वाइल में चला गया। नोट में है ट्रांसफार्मर 0 12 फॉर 12 वोल्ट रिले, ट्रांसफार्मर 0 24 फॉर 24 वोल्ट रिले। आप जैसा रिले इस्तेमाल करना चाहते हैं 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट या 0 वोल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बाकी का आप यहाँ पे जान लीजिए, ये रोटरी स्विच है। एक बार मैं आपको रोटरी स्विच के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसको हम उल्टा मान लेते हैं भाई, 8 को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। आप उल्टा लगेगा उल्टा लगेगा बात तो वही होगा, लेकिन इसको करना चाहिए था एक नंबर, जिसे यहाँ पर रोटरी स्विच में लिखा हो तो उसको एक नंबर में जाना चाहिए था। ये सिर्फ आपको देखने में गड़बड़ लग रहा है, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं है। उल्टा हो चाहे सुलटा हो, आप इस जैसे कि इस रोटरी ये स्विच है ना, ये स्विच है DPDT स्विच। तो इसमें अगर हम दो तार मेरा आ रहा है वो कनेक्शन, जैसे कि बल्ब सीरीज बल्ब लगा के इसे कनेक्शन करके यहाँ पे अगर हम इसको बंद कर रहे हैं, तो इस स्विच में ऐसे लगा के हम स्विच को काम करवाएं या ऐसे लगा के स्विच को काम करवाएं, उल्टा या सुलटा, बॉल तो बंद ऑन ऑफ होगा ही, है ना, उस प्रकार यहाँ पे बात है। 8 को हम उल्टा मान लेते हैं एक नंबर, तो 1 आया यहाँ पे लगा, 2 आया यहाँ पे लगा, 3 आया यहाँ पे लगा, और 4 आया यहाँ पे लगा, 5 आया यहाँ पे लगा, 6 आया यहाँ पे लगा, 7 आया यहाँ पे लगा, 8 आया यहाँ पे लगा, रोटरी स्विच का एक नंबर पे। रिले का जो यहाँ पे हम यहाँ पे दिए, यहाँ जो रिले लगा रहे हैं DPDT रिले स्विच के बदले में, तो इस रिले में अब आपको कनेक्शन बता रहे हैं इस पोल से और इस पोल से दो वायर निकलेगा, दो तार। तो यहाँ का भाई स्विच कहाँ जा रहा है? ये गया रोटरी स्विच के बीच वाले पोल में। जैसे कि रोटरी स्विच मान लीजिए आपका ये है रोटरी स्विच, तो ये बीच वाला है, ये हो गया, आया यहाँ पे, ये रोटरी स्विच में चला गया, ये कहाँ पे गया? ये पोल ऐसे आया यहाँ पे आया, ये एक नंबर में चला गया, है ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे भाई, ये एक नंबर है तो एक नंबर में चला जाएगा। फिर बात रहा ये वाला पोल और ये वाला,
तो यहां से आउटपुट निकल गया, देख रहे हैं आप लोग आउटपुट, ये वाला कहां गया भाई, ये चला जाएगा डायरेक्ट यहां से, यहां आया फेज में चला गया, ये फेज में चला गया। तो आप लोग कनेक्शन आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। और हाँ, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप लोग इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ये आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बेहतर होगा, इसको आप अगर बनाना चाहते हैं तो बेहतर तरीके से आपको बनेगा। तो